क्वेश्चन नंबर 25। इस क्वेश्चन में हमको क्या प्रूफ करना है कि अगर हमारे पास कोई तीन नंबर है n, n प्लस टू और n प्लस फोर, तो इनमें से सिर्फ एक ही नंबर ऐसा होगा जो थ्री से डिविजिबल होगा, वेयर n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो अगर थ्री से डिविजिबल है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि n इज इक्वल टू 3q+r के फॉर्म में लिखा जा सकता होगा। ठीक है, थ्री से डिविजिबल है या नहीं है पता नहीं, पर अगर डिवाइड कर रहे हैं तो दैट मीन्स अपन इसको n इक्वल टू 3q+r के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब यहाँ पे r की क्या क्या वैल्यू हो सकती है? r की वैल्यू हमेशा थ्री से कम होंगी, तो जीरो, वन और टू, यही वैल्यू हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे तीन केस बन जाएंगे। n इज इक्वल टू सिर्फ 3q अगर r जीरो है तो, n इक्वल टू 3q+1 अगर r वन है तो, और n इक्वल टू 3q+2 अगर r टू है तो। ठीक है, अब इसमें अपन क्या करेंगे? अब अपन केस केस बना दो या तो फिर ऐसे ही कर दो। अगर मैं केस वन बना के करूँ, केस वन, तो n इज इक्वल टू हो जाएगा 3q। ठीक है, n प्लस टू इज इक्वल टू हो जाएगा 3q+2, और n प्लस फोर हो जाएगा कितना? 3q+4। हेयर वी कैन सी दैट हेयर ओनली n दैट इज 3q इज डिविजिबल बाय 3, डिविजिबल बाय 3। ठीक है, ये हो गया केस वन। अब ऐसे ही अगर अपन केस टू करें तो केस टू में क्या है? केस टू में n जो है वो अपना 3q+1 है। ठीक है, तो n प्लस टू कितना हो जाएगा? n प्लस टू हो जाएगा 3q+1, n की वैल्यू प्लस टू, दैट इज 3q+3, दैट फर्दर इक्वल टू 3 × q+1। तो इसमें थ्री का फैक्टर आ गया, मतलब ये थ्री से डिविजिबल है। और एन इक्वल टू फोर हो जाए, एन प्लस फोर की वैल्यू क्या आ जाएगी? एन प्लस फोर की वैल्यू आ जाएगी 3q+5। हेयर वी कैन सी दैट हेयर ओनली एन प्लस टू दैट इज 3q+3 इज डिविजिबल बाय 3, डिविजिबल बाय 3। ठीक है, ये हो गया केस टू। अब आ जाओ केस थ्री पे। केस थ्री क्या हो जाएगा कि एन की वैल्यू अपनी क्या है? 3q+ कितनी आई थी? 2। तो एन प्लस टू की वैल्यू क्या हो जाएगी? एन प्लस टू की वैल्यू हो जाएगी 3q+4, और एन प्लस फोर की वैल्यू हो जाएगी 3q+6। दैट इज, अगर इसमें थ्री कॉमन ले लेंगे तो क्यू प्लस टू बचेगा और थ्री अपना फैक्टर आ रहा है, तो मतलब यहाँ पे एन प्लस फोर डिविजिबल है थ्री से। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे हेयर ओनली एन प्लस फोर दैट इज 3q+6 इज डिविजिबल बाय, डिविजिबल बाय 3। ठीक है, ये लिखने के बाद आप एक और लाइन डाल सकते हो। फ्रॉम अबव थ्री केसेस वी कैन से दैट, फिर यहां से लिख देना पूरा, वन एंड ओनली आउट ऑफ एन, एन प्लस टू एंड एन प्लस फोर इज डिविजिबल बाय 3, वेयर एन इज एन पॉजिटिव इंटीजर।